नमस्कार दोस्त, बिल्कुल आप आवाज से पहचान गए होंगे। आप सबसे पहले अपने आईडी को ओपन कीजिएगा। जब आप अपनी आईडी को ओपन करते हैं और वहां पर आपको जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ दिखा रहा है, पहले आप ये सोचिए क्या आप उस इनकम के लायक हैं? क्या आपके पास इतनी क्वालिटी है? क्या आपके पास इतनी नॉलेज है? क्या आप इतना स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं? सैक्रिफाइस कंप्रोमाइज करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप इन चीजों के लिए तैयार हैं तो जो पैसा आपके डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो आपको रिसीविंग हेल्प में दिखाई दे रहा है, वो पैसा 100% आपके पास आएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक एग्जाम से होकर निकलना पड़ेगा। वो एग्जाम है रोज डेली का जूम मीटिंग, वो एग्जाम है अपनी टीम का फॉलो अप, वो एग्जाम है रोज लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहना, और वो एग्जाम है रोज अपनी अपलाइन का मार्गदर्शन बनना। वो जो बताता है, वो जो सिखाता है, जो दिखाता है, जो बताना चाहता है, उन चीजों को मानना और सेम चीजों को अपनी टीम के साथ इंप्लीमेंट करना। यहां पर बहुत सारे लोग पुराने नेटवर्कर भाई हैं, और नेटवर्कर एक ऐसा इंसान होता है जिसे जमाने का नॉलेज होता है, वो हजारों लोगों से मिल चुका होता है, उसका अनुभव किसी डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर से भी ज्यादा होता है हर एक मामले में, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है। बताए क्यों? क्योंकि उसे अपने नॉलेज का, अपने अनुभव का इतना ईगो हो जाता है कि वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, वो किसी भी बात को समझना नहीं चाहता, वो जूम मीटिंग में आना नहीं चाहता, वो ऑडियो वीडियो सुनना नहीं चाहता। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, और बहुत सारा नॉलेज होने की वजह से वो किसी को सुनना नहीं चाहता। उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको जूम मीटिंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसा कमाना चाहता है, वो भी करोड़ों में। एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, हमने इतना सारा नॉलेज, ज्ञान, अनुभव लिया, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार अटेंड किए, सब कुछ होने के बाद क्या आज हमारे पास हमारा बैंक बैलेंस करोड़ों रुपए में जा रहा है? क्या हमारे पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, डिस्कवरी जैसी कार हैं? क्या हमारे पास बंगला या कोई कोटी है? जवाब होगा नहीं। तो क्यों नहीं है? जब इतना अनुभव है, इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है, तो फिर क्यों नहीं? इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसी में आता हूं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। जो चीजें मुझे नहीं आती मैं सीखना पसंद करता हूं, जो चीजें मुझे नहीं आती, जो मुझे आती है वो मैं काट डालता हूं, जो नहीं आती वो मैं सीखना चाहता हूं, पर उसको सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। हमारा जूम सेशन, हमारी ट्रेनिंग्स, हमारी मीटिंग्स, हमारे इवेंट्स एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि आओ सीखो, समझो और कमाओ। ऊपर से पूछो कैसे करना है, नीचे वाले को बताओ भाई ऐसे करना है, और बीच में पैसे कमाना है। और हम जिस फाउंडेशन में हैं वहां पर तो काम ही हमें लोगों की मदद करने का मिला है। और अगर लोगों की मदद करते हुए अगर 4 महीने 6 महीने 1 साल में अगर करोड़पति बनने का मौका मिले, जहां पर ना कुछ बेचना पड़े, ना कुछ खरीदना पड़े, ना कुछ स्टॉक करना पड़े, और ना ही इंतजार करना पड़े, ना TDS देना पड़े, ना एडमिन चार्ज करता हो, ना क्लोजिंग का वेट करना पड़े, ना कोरियर, ना कार, ना बूट, ना सूट, और वो काम पूरा हो सकता हो अगर केवल मोबाइल से, तो हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए या नहीं? ये फैसला आपको करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी, तो फैसला आप ही को करना है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा, नए ऑडियो में फिर मुलाकात हो रही है, तब तक के इस ऑडियो को पूरा सुने और अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए।